जब आप प्रयास करते करते थक जाते हैं और सारी दुनिया आपसे कहती है कि हार मान ले, तब आपका दिल धीरे से कहता है कि तू और कोशिश कर, तू इस काम को कर सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े सभी स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे वाला आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके जो है सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख कर क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 यानी कि जो आपका विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 था, ये कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि किस राज्य में जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया गया, तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। और तीसरा था कि हाल ही में किस सरकार ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कोविड फार्मा लॉन्च किया है। तो देखिए, इस कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और चौथा था कि हाल ही में किस संस्था ने फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की है, तो देखिए इस संस्था का नाम है UNCTAD, और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए परसों का वीडियो देख डालिएगा। और पांचवा था कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस टेलीस्कोप के लॉन्च के 30 वर्ष पूरे होने का जो है उत्सव मनाया गया, तो देखिए इस टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। और आज ग्रेट नंबर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का जो विश्व दिवस है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तारीख आपकी है 28 अप्रैल। देखिए, आपको बता दूं 28 अप्रैल को जो है जो आपका ये कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस है, ये मनाया जाता है। और देखिए, इसके बारे में डिटेल्स क्या है। देखिए, 2020 का जो आपका ये वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का जो विश्व दिवस है, इसकी थीम है स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। और ये थीम जो है आधारित है इस साल के कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए, जो आपका ये कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का जो विश्व दिवस है, देखिए इसका आयोजन किया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, और हर साल 28 अप्रैल को जो है इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा भी इसी ने की थी। कब की थी? साल 2003 में, ठीक है, तो इसे साल 2003 से प्रतिवर्ष यानी कि हर साल मनाया जा रहा है रेगुलर। और दूसरा प्रश्न कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना, तो देखिए ये पहला सरकारी अस्पताल है भारत का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। देखिए, सबको पता होगा लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अभियाली में जो आपका ये किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपका है यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, इसने अभियाली में सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी को जो है कंप्लीट किया है। और आपको बता दूं कि अभियाली में जो ये पहला प्लाज्मा थेरेपी किया गया है इसके द्वारा यानी कि KGMU लखनऊ के द्वारा, ये एक 58 वर्षीय डॉक्टर के अंदर की गई है। और देखिए, ये डॉक्टर साहब जो है ये कोरोना वायरस का इलाज करते करते जो है खुद संक्रमित हो गए थे, तो इनके अंदर जो है सबसे पहले ये प्लाज्मा थेरेपी उपचार के रूप में मतलब प्रयोगात्मक रूप में जो है की गई और ये सफल भी रही, तो इसको आपको याद रखना है। तो एक लाइन में यहाँ पर दिमाग में बना लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित जो आपका ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और एक और ख़ास बात आपको बतानी है, देखिए यहाँ हमने बात की है भारत के पहले सरकारी अस्पताल की, इसने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। देखिए, भारत का जो केरल राज्य, ठीक है, तो केरल राज्य जो है ये प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का रेफरेंस मैं कैसे दे रहा हूँ, कोविड-19 के उपचार के लिए, ठीक है, इसको याद रखना है कि कोरोना वायरस के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल है। और जो आपकी रिसेंट न्यूज़ है, मैंने बताई आपको कि जो भारत का पहला सरकारी अस्पताल है, इसने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया है, ये आपका है KGMU लखनऊ। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, दोनों चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ को हम कहते हैं नवाबों का शहर, और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है,
और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और ये आपकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश की जो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे राजस्थान, फिर आपका ये मध्य प्रदेश, और उसके बाद फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और बिहार के साथ और दिल्ली के साथ में लगती हैं। तो इसके बॉर्डर से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। तीसरा प्रश्न है कि सिपरी के ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। देखिए ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जब ये रिपोर्ट जारी होती है तो एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिए दुनिया का जो सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है ये आपका अमेरिका है, और अमेरिका ने 2019 में जो है कुल $732 बिलियन जो है खर्च किया था अपनी सेना पर। और इसके बाद फिर चीन दूसरे नंबर पर है, चीन ने जो है $261 बिलियन जो है खर्च किया था अपनी सेना पर। और एक सबसे खास बात जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनती है, देखिए भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है सैन्य खर्च करने के मामले में, और भारत ने 2019 में कुल $71.1 बिलियन जो है खर्च किया था अपनी सेना पर। और इस मामले में चौथे स्थान पर रूस है, और इसका जो सैन्य खर्च रहा 2019 में रखा ये रहा $65.1 बिलियन। और फिर इस मामले में पाँचवें स्थान पर सऊदी अरब है, इसका जो सैन्य खर्च है ये रहा 2019 में $61.9 बिलियन। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं इसको नोट कर लीजिएगा। और जो मैंने ये सबसे खास बताई है बात बताइए आपको कि भारत जो ये 2019 में सैन्य खर्च करने वाले वाले देशों की सूची में जो है तीसरे स्थान पर रहा, इसी रखेगा। देखिए भारत ने 2019 में रक्षा पर जो है कुल $71.1 बिलियन का जो है खर्च किया था, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.4% हिस्सा है। और इसके कारण जो है 2018 के चौथे स्थान से भारत 2019 में तीसरे स्थान पर आ गया। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे एक बात आपको समझ में आ रही है कि 2018 में भारत जो है ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर था, और फिर 2019 में जो है भारत फिर तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, और देखिए जो आपका ये ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट है जिसको जारी किया है सिपरी ने, इसकी मुख्य बातें कुछ और भी हैं। देखिए साल 2019 में जो कुल वैश्विक सैन्य खर्च था ये बढ़कर हो गया था $1917 बिलियन, ये अमाउंट नोट कर लीजिएगा, और इसमें 2018 के मुकाबले कुल 3.6% की जो है वृद्धि हुई थी। और देखिए ये पहला मौका है जब दो एशियाई देश सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, देखिए जो आपका चीन है ये भी एशिया में स्थित है, भारत भी एशिया में स्थित है, तो टॉप 3 में 2 एशियन कंट्रीज शामिल हैं इस लिस्ट में, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए सिपरी की बात करें तो देखिए सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके संस्थापक हैं गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन यानी कि जो आपकी स्वीडन की सरकार है, इसने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 6 मई 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की जो बराबर संख्या है प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है? तो देखिए ये घोषणा भी हाल ही में की गई है NTPC के द्वारा। और आपको बता दूं जो आपका ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI है, तो ये जो है NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, और इस पहल की जो शुरुआत है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जो है किया गया है। तो याद रखिएगा क्लाइंट में कि बिहार में लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की जो है बराबर संख्या प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में NTPC ने ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो है घोषणा की है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया? तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का जो पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास था इसको रद्द कर दिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ये निर्णय कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है। और देखिए जो आपका ये पिच ब्लैक है ये जो है एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है, और इसका जो अंतिम संस्करण है ये 2018 में आयोजित हुआ था, तो फिर 2018 के बाद फिर 2 सालों के बाद 2020 में इसका नंबर आया था, लेकिन इस बार ये आयोजित नहीं होगा। देखिए इस बार जो है जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया देश है इसने भारत को भी इन्वाइट किया था इस पिच ब्लैक 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसके लिए बिहार में जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, तो उसके जो प्रमुख है मेग खूब फेल्ड, तो इन्होंने भी हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखा कि भैया हम इसको रद्द कर रहे हैं, आप अपने घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है।
और देखिए एक बात और है, देखिए जो का ये पिच ब्लैक 2020 है तो इस साल नहीं होगा, फिर अब ये 2 साल बाद 2022 के लिए निर्धारित किया गया इसका अगला तिथि, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? तो देखिए ये काम केवल भारत ही कर सकता है, क्योंकि दुनिया में पहले स्थान पर आपका है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन में भारत, ठीक है। टोटल 70% उत्पादन भारत कर रहा है वर्तमान में पूरी दुनिया का इस टैबलेट का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और देखिए खास बात है, देखिए वर्तमान में जो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं इनका नाम है रीवा गांगुली, तो इन्होंने भी हाल ही में ये 1 लाख जो आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां थी और 50,000 जो सर्जिकल दस्ताने थे ये जो है वहाँ की गवर्नमेंट को जो है सौंपा, ठीक है। और देखिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं हम, बांग्लादेश हमारा देखिए पड़ोसी देश है और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका, पॉपुलेशन है 16.14 करोड़ और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है शेख हसीना, तो इनका नाम जरूर रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में एक नया अपडेट आया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का, इसने भारत के 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को जो है 3.6% से घटाकर 1.9%, यानी कि 1.9% कर दिया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? तो देखिए ये राज्य आपका है ओडिशा, और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है नवीन पटनायक, अभी हाल ही में इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि ओडिशा में अब अगर किसी भी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसको 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जो है उसके परिवार को दी जाएगी। और ये ओडिशा के बारे में डिटेल में जान लीजिए, देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ओडिशा के जो गवर्नर इनका नाम है गणेशी लाल, ओडिशा की टोटल जनसंख्या है 4.6 करोड़ और ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम तो मैंने बता दिया नवीन पटनायक। नवा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ी उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर अभी हाल ही में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए उमर अकमल पर 3 सालों का प्रतिबंध लगाया है पीसीबी, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए ये जो है लड़का जो है बहुत चालू था, ये जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है घूस लेते हुए, तो इसीलिए जो है इस पर ये 3 सालों का प्रतिबंध लगाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और दसवां प्रश्न ये किस भारतीय धाविका पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामलों में प्रतिबंधित पदार्थों यानी कि स्टेरॉयड के सेवन करने के कारण 4 सालों का बिहारी में प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए ये 4 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है झुमा खातून पर। झुमा खातून कौन है? ये भारतीय एथलीट है, भारतीय धाविका है, ठीक है। और देखिए पिछले कई सारे एग्जाम में मैंने देखा था कि अगर किसी भी खिलाड़ी पर प्रतिबंध लग रहा है तो उसको जो है मतलब किस पदार्थ के सेवन के कारण प्रतिबंध किया, ये चीज़ एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए जो आपकी झुमा खातून है, ठीक है, इन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है डीहाइड्रोक्लोरोमेथाइल टेस्टोस्टेरोन के सेवन करने के कारण। तो देखिए खिलाड़ियों को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, मतलब अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए जो लोग जिम जाते हैं बहुत सारे लोग जो है इस समय सप्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए सप्लीमेंट का यूज़ बंद कीजिए, क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट आ रहे हैं तो मार्केट में जो आपके 99.9% जो आपके जितने भी सप्लीमेंट हैं सब में स्टीरॉयड वगैरह हैं और ये आपके समझ लीजिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अभी आप इसका सेवन करेंगे आपकी बॉडी तो 1 महीने 1.5 महीने में बन जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा ये जो है आपके लीवर किडनी और सारी चीज़ों में जो है अनवांटेड ग्रोथ पैदा कर देगा, बाद में जो है आपके सारे ऑर्गन जो है ये फेल्योर वाले जो है केसेस दिखने लगे हैं आपको, मतलब आपका जो अंग है वो सही से काम नहीं करेगा, बहुत सारे अंग फेल भी हो जाते हैं इन स्टीरॉयड के जो है अत्यधिक सेवन से। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको और इसको अप्लाई भी करना है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे जितने भी पत्रकार हैं असम के तो उनको जो है कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है? तो देखिए ये अमाउंट आपका 50 लाख रुपए है। अब असम में जितने भी पत्रकार हैं उनको 50 लाख रुपए का जो है बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं उनकी जान चली जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे असम की सरकार के द्वारा। और असम की बात करें, देखिए असम के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, पॉपुलेशन यहाँ की है 3.09 करोड़ और यहाँ के जो गवर्नर इनका नाम है जगदीश मुखी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत अपॉइंट किया गया है?
देखिए भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, एक भारतीय मूल की महिला हैं जिनका नाम है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में जो है अमेरिका का अगला दूत अपॉइंट किया गया है। देखिए मनीषा सिंह कौन है, देखिए मनीषा सिंह जो है ये वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं और मनीषा सिंह जो है ये अभी अमेरिका के विदेश विभाग में सहायक मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं और जो आपका ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है जहाँ पर मनीषा सिंह को अपॉइंट किया गया है। तो देखिए जो आपका ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, इसमें 36 देश शामिल हैं और जो आपका ये OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। तो देखिए ये जो है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है और इसमें अमेरिका की दूत कौन बनी है, मनीषा सिंह। तो ये थे आपके आज के सभी 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इसका आंसर देने के लिए। पहला प्रश्न आपके लिए कि बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार यानी कि क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई, इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में रोनुजाय राय का निधन हो गया वो क्या थे, मतलब इनका प्रोफेशन क्या था, जल्दी से बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए अभी हाल ही में धनमंत्री योजना शुरू की है, इसका उत्तर बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि किस उद्योग को जो है 6 महीने के लिए अभी हाल ही में जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो ही समाप्त होता है और आपको अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए तुरंत और इसको सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो आपका बेल आइकॉन है उस पर जरूर प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।